हे फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक हटके नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाने के लिए आपको ना मैदा चाहिए ना ही आटा, और बहुत ही झटपट ये रेसिपी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। इसी के साथ मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत सारी सब्जियों के साथ ये रेसिपी बनकर तैयार होती, तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ छाया, स्वागत करती हूँ छायास किचन पर। मैं आपके साथ एक रेसिपी फिर से लेकर आई हूँ। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। के लिए हम सबसे पहले गैस पर एक पैन रखेंगे और इस पर हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल और इसको हम कर लेते हैं गरम। ऑयल पर 1/2 चम्मच राई और 10 करी पत्ता ऐड कर देंगे और इनको हम थोड़ा सा तड़का लेते हैं। अगर राई तड़कती नहीं है तो वो कड़वी लगती है। इसके साथ हमने 25 से 30 कली लहसुन के लिए और 1 टुकड़ा अदरक, इसको भी डाल देंगे और इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक ये हल्की सी गोल्डन नहीं हो जाती लहसुन। 1 बड़ा प्याज जिसको रफली चॉप के घी ऐड कर देंगे और इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। बस हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज्यादा फ्राई करने की जरूरत नहीं है। 10 से 15 हमने सूखी लाल मिर्च ली है, ये भी हम इस पर ऐड कर देंगे और 2 से 3 इमली ये भी डाल देंगे। इसके बीज वगैरह हमने सारे हटा दिए थे। एक बार हम इसको मिक्स कर देते हैं और इनको भी बढ़िया से फ्राई कर लेते हैं, बस थोड़ा सा ही। 250 ग्राम टमाटर, लाल टमाटर लेंगे तो चटनी का कलर बढ़िया आएगा, रफली चॉप करके डाला है। और स्वाद के अनुसार 1 छोटा चम्मच नमक। को इस स्टेज पर डालने से जो टमाटर है अपना पूरा पानी रिलीज कर देता है, टमाटर को पकने में ज्यादा समय नहीं लगता है। और सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे और एक बार हम पानी को भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं। टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाए तो इसको कवर करके हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 1 बड़ा सा बाउल लेंगे और इस पर हम डालेंगे 2 कटोरी सूजी। हाँ फ्रेंड्स, आज का नाश्ता हम सूजी से बनाने वाले हैं क्योंकि सूजी हर किसी के घर पर अवेलेबल होती है। इसी के साथ हम इस पर 1 कटोरी दही लेंगे, 2 कटोरी सूजी 1 कटोरी दही। और अब हम इस पर बारी बारी करके अपनी सारी सब्जियां डाल देंगे, प्याज, पत्ता गोभी। और इसी के साथ हम इस पर डालेंगे हरी मिर्ची जो की 2 से 3 फाइन चॉप की है, साथ ही 1 टमाटर है काफी बड़े साइज का है। इसके बाद हम इस पर लेंगे 1/2 शिमला मिर्च, आप चाहें तो इसको और भी बढ़ा सकते हैं। और जो आलू लिया था ना वो हम इस पर ग्रेट कर देंगे। ग्रेटर जो लेंगे हम फाइन लेंगे, बहुत ज्यादा मोटे ग्रेटर का यूज नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि ये उबले की तरह ये आपको आलू दिखने लगेगा क्योंकि हमने एकदम फाइन ग्रेटर का यूज किया है ना। और ये देखिए आलू हमारा ग्रेट हो चुका है। बहुत सारा हरा धनिया डालेंगे जिससे नाश्ते का फ्लेवर काफी निखर कर आए। बाउल मेरा छोटा है तो मैं इसको एक बड़े बाउल पर ट्रांसफर कर लेती हूँ और मैंने इसको एक बड़े बाउल पर ट्रांसफर कर दिया। अच्छे कलर के लिए 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा और साथ ही साथ के अनुसार 1 छोटा चम्मच नमक। और अब हम डालेंगे इस पर 2.5 कटोरी पानी। पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। हम एक साथ पानी डाल देंगे तो बैटर हमारा गीला हो जाएगा और इसमें लम्स भी पड़ सकते हैं। वैसे सूजी लम्स पड़ने का कोई चांसेस नहीं है क्योंकि हमने इस पर सब्जियां भी ऐड कर दी है। और बैटर आप देखिए इस तरीके का हमारा होना चाहिए। जब आप देखेंगे कि इस तरीके का बैटर हो चुका है तो हम इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेते हैं। बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरीके की होना चाहिए, इससे ज्यादा गाढ़ा पतला नहीं करना है। और इसको कवर करके हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं। हमारे टमाटर भी बढ़िया से सॉफ्ट हो चुके हैं, मिर्ची भी बढ़िया सॉफ्ट हो चुकी है। इसको एक बार हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इस पर अच्छे कलर के लिए डालेंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च। यदि आपका टमाटर लाल है तो ये डालने की जरूरत नहीं है। 1/2 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच टोमेटो केचप, इससे सारे टेस्ट बैलेंस होंगे। और साथ ही हम इस पर डालेंगे 1 चम्मच अजीनामोटो, इससे एकदम मार्केट जैसी टेस्टी चटनी बनकर तैयार होगी। सारी चीजों को मिक्स कर देंगे और टमाटर को थोड़ा सा मैश करते जाएंगे। ये चटनी सभी स्नैक्स के साथ बहुत बढ़िया जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। गैस को ऑफ कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। एक मिक्सी का जार लेंगे और इस पर जो हमने चटनी का मसाला बनाया था सारा हम इस पर डाल देंगे। पीसने के लिए कोई पानी वगैरह नहीं डालना, यदि आप पानी डालते हैं तो चटनी आपकी लंबे समय तक नहीं चलती है, ऐसे तो ये 15 दिन चल जाएगी। और ये देख लिया हमने इसको बढ़िया से पीस लिया। इसका टेक्सचर देखिए, कलर कितना बढ़िया आया हमारी चटनी का। इसको एक बाउल पर खाली कर, इस चटनी को आप बनाइए, 15 दिन फ्रिज में रखकर आप कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। और इधर हमारा बैटर फूल कर तैयार हो गया और इसको एक बार मिक्स करेंगे और अब हम एक ग्लास लेंगे, ग्लास पर बैटर को फिल कर देंगे। पूरा भी भरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप भर सकते हैं। इधर हमने एक साइड ऑयल को गर्म कर लिया था, ऑयल को हाई फ्लेम पर गर्म करेंगे, फिर गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे, फिर हमारा नाश्ता अंदर तक कुक हो जाए। एक इस तरीके का चमचा लेंगे और इसको गर्म ऑयल पर डालेंगे, थोड़ा सा भर लेंगे और बैटर ऊपर से हम डालते जाएंगे। थोड़ा खाली रखना है, ऑयल डालने के बाद हम इसको चम्मच से चढ़ा देंगे। जैसे आप ऑयल डालेंगे तो एकदम गुब्बारे की तरह ये नाश्ता हमारा फूल कर तैयार हो जाता है। ये देखिए, इस स्पून से आप थोड़ा सा कर दीजिए और ये निकल गया है। बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है और स्लो फ्लेम पर इसको ऊपर से क्रिस्पी होने तक हम सेक लेते हैं। और ये देखिए कितना क्रिस्पी करारा क्रंची हमारा ये नाश्ता तैयार हो गया। और बिल्कुल भी ऑयल ये एब्जॉर्ब नहीं करते क्योंकि हमने सोडा इनो कुछ का यूज नहीं किया। एक प्लेट पर हम निकाल देंगे। चलिए फिर से मैं आपको बताती हूँ, ऑयल भर लिया है, फिर से हम इस पर बैटर डालेंगे। बैटर पूरा ऊपर तक नहीं डालना है क्योंकि ये फूलता है। फिर से हम इसको ऑयल चढ़ा देंगे।
जिससे ये बढ़िया से फूल जाए। जैसे ये फूल जाता है इसका कलर भी ऊपर से डार्क हो जाता है। जैसे ये फूल जाए तो अब आप इसको इस तरीके से निकाल दीजिए या तो ऐसे पलट दीजिए और फिर इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं। ये नाश्ता अंदर से बहुत ही सॉफ्ट एकदम मुंह में घुल जाने वाला, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची होता है। बहुत ही टेस्टी ये लगता है, एकदम नया तरीका है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। और मैं आपको एक और बताती हूँ फ्रेंड, इसी तरीके से आपको सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर ले। ये देखिए ये वाला भी हमारा सीख गया, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची करारा बना। तो चलिए इसको सर्व कर देते हैं स्पेशल चटनी के साथ। फ्रेंड बहुत ही टेस्टी सुपर हिट नाश्ता बना, सब्जियों से भरा है, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी है, ऊपर से बहुत ही करारा है। तो चलिए मैं आपको इसको अंदर से भी दिखाऊं कि कितना ये स्पॉन्जी है। जो भी खाएगा आपकी तारीफें करते नहीं रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।